इन्हां ने रोम रखे कोई नहीं, रोज बेद भी करते हैं, रोज मूंह छिलदे आपदा, वो दसणगे हुण जेड़ा बंदा एडा बेशर्म होवे, डिग्या होवे, घटिया होवे, ए तो वड्डे डिग्गे बेशर्म बंदे दी मैं उदाहरण की दवां। ये हर वेले गुरसिखा दी मजाक उड़ाऊगा ते अहीं सुनी जावांगे, जस्ट बिकॉज ही सीएम, आपदे घर च होऊगा सीएम, मैं परवाह नहीं करता इहो जिहे सीएम दी। जिन्हू माड़ी मोटी भी अकल होवे कि वह सिखी स्वरूप का मजाक उड़ा सकता, साढ़े च सौ नुक्स होना, मगर भगवंत मान वांगू डिगे नहीं है। अहीं आपदे केसा दी बेदबी नहीं करते, रोज शराब पी के गुरु साहब की हाजरी च नहीं जाते, केड़ी सिख विरोधी ताकता दे नाले मिलिया होया, गल तां इहदी है। मैनू बड़े नोन एंड बड़े कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने कहा कि इस दिन इन्हें शराब पीती हुई। चंडीगढ़ पुलिस की ड्यूटी लग जा करे, गवर्नर साहब नूं मैं कहिंदा नैक्सट टाइम संबोधन जाने तो पहला पहला इहदा टेस्ट करा लो सारा, लोगों को पता होवे कि अज खादी पीती ते बैठे कि अज सोफी बैठे। साहिबे कमाल सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वल्लों खालसा दी जो स्थापना हुई है, कि ये उसनू चैलेंज करन आस्ते या उन्हां दी अवग्या बेअदबी करन आस्ते, उन्हां दी निरादर करन आस्ते बदलाव आया सी। मैं बड़े दो तीन दिन का काफ़ी इस गल ते मैनू महसूस भी होया, जो पंजाब दी विधानसभा च बोलिया गया, और दुख भी होया। मैं बड़ा आपदे आप नू कंट्रोल करन दी कोशिश कीती की बोलोंगे इह जे मुख्यमंत्री दे खिलाफ जिहदी अकल ही गिट्टियां च चली गई, जिहनू समझ नहीं कि जे कुर्सी ते वह बैठे है, जिस पंजाब की विधानसभा च वह बैठे है, वो पंजाब की विधानसभा पंजाब दे लोकां दी शान है, पंजाब पंजाबी पंजाबीयत दी भाईचारिक सांझ दी, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई भाईचारे दी भाईचारक सांझ दी ओ शान है। गुरु साहब दी फिलोसफी सर्व सांझी वालता दी उस ते नक्शे कदम ते चलन वाली ये विधानसभा, और जिस विधानसभा ने पग दी जिहदी पग शान है, उस विधानसभा दे अंदर गुरु दे सिख दी ये पंजाब नूं रिप्रजेंट करने वाली, गुरुआ पीर की इस पवित्र धरती रिप्रजेंट करने वाली ये पंजाब की विधानसभा, जिथे पंजाब के मुद्दे नहीं डिस्कस होंगे। और स्पीकर साहब तो मेरे तो सब तो वह रंज मैं स्पीकर साहब से, मैं दो तीन दिन चुप रहा कि शायद कई बार मौके पर बंदा रिलाइज नहीं करता, मगरों महसूस करता कि क्योंकि हूज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब, और मैनू आस सी कि स्पीकर साहब आप भावें सीएम किड्डा भी ताकतवर होवे, किड्डा मर्जी वड्डा होवे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो वड्डा नहीं हो गया, ना खेद प्रगटाया ना सीएम दी ताड़ना कीती। अज मैं पूछना चाहुंदा कि फिर तुसी इस गल नाल सहमत हो, इज हिस्टरी रिपीटिंग इटसेल्फ, कि जदों ज्ञानी जैल सिंह जी दे परिवार नाल तुसी संबंधित हो, 1982 तो 87 जो देश के राष्ट्रपति सन, वो राष्ट्रपति भवन च गहरी नींद सुते रहे, तीन दिन आर्मी नहीं गई, उन्होंने कोई कदम नहीं चुकया, वेयर इज ही वॉज द कमांडर इन चीफ आर्मी दे। अज ओही हिस्टरी रिपीट हो रही है कि विधानसभा दे कस्टोडियन जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे खालसा पंथ नूं मजाक उड़ाया जावे, उहदे दाड़े पग दी शान दे खिलाफ कोई गल कीती जावे, तो स्पीकर साहब दा एक लफ्ज नहीं आया। मैनू इस गल दा अफसोस भी है, रंज भी है, और मैं समझदा हिस्टरी बुक च यह रिकॉर्ड होगा। गुरसिखां दीआं जिवणीआं भावना आहत होईआं ने उहदी गल मैं फेर करूंगा, वीडियो जरा नहीं पहला वह जिहड़ी विधानसभा की गल है दिखाए, कदे कर ला, कदे ऐ कर ला, वोटा आ गई ऐ कर ला, नहीं तो ऐ कर ला, ये गल
सही है हुण मैनू एक गल दसो ये ताड़ी मारन का कोई मुद्दा सी इत्थे भी बैठे है कई गुरसिखां ने दाड़े का प्रकाश किया कई ने बन्निया पंजाब के कोने कोने च चले जाओ देश दुनिया के कोने च चले जाओ तुहानू सिखी सरूप च दो किस्म के लोग मिलणगे कई ने दाड़े का प्रकाश किया है कई ने दाड़ा आपदा बन्निया हुंदा मगर वह रोमा की बेअदबी नहीं करते वो इस दाड़े नू जिन्ना ने दाड़ा बन्निया भी होए ना दाड़े दा सत्कार बड़ा करते हैं कि ये गुरु साहब की बख्शिश है असीं इन्हां रोमां ते कैंची नहीं फेरनी इन्हां रोमां की बहुत सांभ संभाल हुंदी है और इत्थे भगवंत मान जी की करदे मैं इन्हां दी हरकत विखा दिया तुहानू कि ये एक बार ही नहीं मैं एक मिनट ये एक सिस्टमैटिक अटैक सिखां दी गुरसिखां दी मानसिकता ते गुरसिखां नूं नीवा विखाउण दी साजिश गुरसिखां दी तोहीन करन दी साजिश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जो बख्शिश है दात है उस नूं तार तार करन दी साजिश एक बार ही होई होवे तां मैं चुप कर जा मैं तुहानूं एक रील विखा रहा कि दिस इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया बंदा और कला ये नहीं इन्हां दा इलैक्शन एफिडेविट वेख लो उत्थे भगवंत सिंह मान नहीं लिखा होंदा कोई ऐड वेख लो किते वेख लो भगवंत मान भाई तू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सत्कार नहीं करता होना पता ही है तू श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सत्कार नहीं करता उस गल का भी पता है जेड़ा बंदा एडा बेशर्म होवे डिग्या होवे घटिया होवे जेड़ा शराब पी के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हाजरी च जाग सकता है और संगत उत्थों इनू दड़ावे इस तो वड्डे डिग्गे बेशरम बंदे दी मैं उदाहरण की दवां ते जेड़ा आपां रोज अरदास तो बाद मैं सुनाई दिना वीडियो जिस च कहिंदे राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई इन्हें किहड़े लफ्ज वरते सन उत्थे घटिया हरकत करना इन्हां दी इक तरीका बन गया वह मैं थोनू विखा चाहना कि इन्होंने केड़े केड़े काम किए आ वॉलीबॉल मैच खेडते हैं टोपी वर्गी पग सजना कदे लै जाती कदे पै जाती टोपी वर्गी पग सजना कदे लै जाती कदे पै जाती अगली कोई पग नू कोई गुरसिख जिदे सिर ते केस होण दाड़ा रख्या होवे वह कदे भी इस तरह आपकी पग नू इस तरह ला के कदे भी गलती नहीं कर सकता मगर इन्हां नू तां शर्म ही कोई आ दूजी हरेक का ही निरादर मतलब निरादर तो इन्होंने जिवें ब्लड च होंदा ना जी जिहड़ा श्री दमदमा साहब शराब पी के जा सकदा सारियां ही विखा दे दियां हरकतां जिहड़ा शराब पी के दमदमा साहब जा सकदा उस तो आस कि रखी जा सकती है घट पीती है मैं लगता एदा मैं अज कह रहा जी ये और मैनू बड़े एक जिवें मैं तुहानू कहा सी ना कि कल डीजीपी का बिल आ रहा ते तुसी उन्हें कैबिनेट च कैबिनेट च तो लिया ही नहीं सीधे उत्थे लिया मेरे बड़े वड्डे सोर्स ने कही है मैनू ये गल कहिंदा सर उस दिन भी ये पी के आया सी पंजाब दी विधान जिहड़ा पंजाब दी लोक सभा च पी के जा सकदा है और उहदी शिकायत उहनां दे साथी एम पी खालसा जी कर सकदे आ या लोग उहनू सुंघदे आ विधान पार्लीमेंट च देश दा स्पीकर ये गल कह सकदा है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ
उत्थे पी के आने तो की इन्होंने दो बारी भी सोचना आने तो पहला। और मैं तुहानू इमानदारी नाल कह रहा और मैं रिक्वेस्ट भी करदा स्पीकर साहब नू, जे तुसी जिवें ड्राइविंग तो पहला कई बार रात नू चैकिंग होंदी ना चंडीगढ़ पुलिस करती है, उत्थे करा दिया करो इहदी चैकिंग, फूकां मार के जिहड़ी चैक करदे आ ब्रैथ टेस्ट हुंदा है, क्योंकि इहने तां पी के आई जाणा और पी के आके उत्थे लोकां दा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सिख कौम दा गुरु साहब दे दसे होए रस्ते ते चलन वाले सिखां दा निरादर करूगा, इह बर्दाश्त नहीं किसी ने करना। एक बार ही नहीं अनेक बारी हो गई है, मगर पंजाब की विधानसभा च तां तुसीं इह कंट्रोल कर सकते हो, मगर तुसीं नहीं करना ठीक समझा। तो मैं तो आस करदा उम्मीद करदा दैट इधर चंडीगढ़ पुलिस की ड्यूटी लग जा करे, गवर्नर साहब नूं मैं कहना नैक्सट टाइम कि तुसी आपकी अगली बारी संबोधन जाने तो पहला पहला इहदा टैसट करा लो सारा, लोगों को पता हो कि अज खादी पीती ते बैठे कि अज सोफी बैठे, क्योंकि यह नहीं किसी ने बर्दाश्त करनी कि उत्थे तुसी बोली तुरी जाओ जो मर्जी बोली जाओ। कल अज तो सिखां दी गल करती है, कल उठ के कह दूंगा जी मैनू तो मंदरां चों नहीं पसंद जिहड़ा ये उत्थे चलदा ते उत्थे लई भी मैं अज फैसला कर दूं। एक शराबी कबाबी बंदा जिहड़ा आपदे परिवार का ना हो सकिया, आपदे न्याणियां दा ना हो सकिया, आपदी मावां मां ते झूठियां सौहां खाण वाला कि उह गुरसिखां नूं दसू कि तुसीं भाई आपदी जीवन जांच किवें बतीत करनी, उहनां दे धाड़े ते मजाक उड़ाओ, उहनां दे सिक्खी सरूप ते मजाक उड़ाओ, ये कौन बर्दाश्त करू। असी तो नहीं किया, यह तो साडे उल्ट गया सी उदों धरने ते, मगर उदों लोक मगर पे। मैं बार बार कह रहा कई बार हो जाता है कि यह सियासी विरोधी अमजीठिया जिन्हां च माड़ा मोटा भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सत्कार है, इहदा बाइकआउट करो, इहदी गल्लां ते ताड़ियां ना मारो, ये कोई ताड़ी मारन दा काम नहीं कीता इहने, ये कोई उत्थे कोई गुरु साहब दा निरादर करे गुरु साहब दी शान दे खिलाफ उत्थे हरकतां कारवाइयां होण ते तुसीं ताड़ियां मारो, इह तों घटिया गल की हो सकदी। हाँ जी अच्छा, मैं गल पहलां ही कह चुक्या कि अज तक स्पीकर साहब ने यह रिमार्क्स नूं एक्सपंज नहीं किया, और जबकि केस गुरु साहब की मोहर है, ये गुरु की सिख की पहचान है, तो इत्थे की हालात हो रहे। थोड़े कुछ सवाल जी एक मैं गल दसा जी, पार्टी मेरे लिए ना जी पहला गुरु साहब का रस्ता है, और गुरु साहब ने साडे बजुर्गां ने ना सानू एको गल समझाई सी, काका मैनू किन्ने परिवारां दा पता है जदों बाहर पढ़न जांदे ना मां पे एक गल कहिंदे काका जिथे मर्जी चले जा बेटा केस जां दाड़े दी निरादर ना करी, एक इहनू कटाउण दा काम ना करी कैंची ना वेरी, इह तां जाके रोज़ कैंची फिरवाउंदे, ये लोग जाके सानू बेइज्जत करन किसे जिन्हां ने केस रखे है, ये बर्दाश्त होगी। पार्टी का की व्यू है नहीं है, पार्टी ने आपका स्टैंड स्पष्ट कर देना, मेरा की व्यू है जिन्हें सिखी सरूप साडे वास्ते किड्डा कीमती सरूप है, साडी गुरु की बख्शी हुई दात है, मैं तो कदे ना बर्दाश्त करूँ यह जे डिफॉल्टर की यह जी गल। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो जागदी जोत है, हाजरा हजूर साडे गुरु साहब प्रथक ने, उन्हां दी हाजरी च जिहड़ा शराब पी के जा सकदा है और जिहड़ी संगत उहनूं भजाउण उत्थों, उत्थे कोई मतलब वो बंदे कोई मेरे तो नहीं सी या कोई नहीं, तो सधारण लोग सन जिन्हां ने भजाया कि शराब पी के आया सी, और एक बारी अनेक बारी, और जिहड़ा एडा बेशरम बंदा होवे जिन्हें वो ट्वीट की पाई सी जदे ने आपदा परिवार छड्डिया, और ट्वीट भी मैं पढ़ दिना मैं ज लै के आया सीगा कि इह जे बंदे दी बेशर्मियां दी तां हद्दां टप्पियां होईयां, जिहड़ा ये ट्वीट पाई सी जो लटका चिरां तों सी ओ हल हो गया, कोर्ट विच फैसला ये कल हो गया,
एक पासे परिवार दूजे पासे सी पंजाब, मैं तो यारो अपने पंजाब वल हो गया। भगवंत मान गुरु साहब की हाजरी च, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हाजरी च चार लावां दा पाठ होया सी। फिर यह विआह आनंद कारज हुंदे आ ते इह कहिंदा कि जो लटकिया चिरां तों सी इहनूं मसला ही दसदा है। इहदी तां भावना किहो जी है, सोच किड्डी घटिया है। मैं कि इह जे मतलब डिगे होए बंदे की गल करांगा, ठीक है मुख्यमंत्री तुसीं बण गए, कोई तुहाडे गुरु साहब की कोई मतलब मैं पिछले कर्म होंदे बंदे दे, मगर कोई बह के तां शर्म कर लो बोलण वेले की बोल रहे हो। इहदा इह मतलब तां नहीं कि तुसीं रब दा रूप हो गए हो कि जो मर्जी बोलूंगा। सच्चे पातशाह ने गुरसिखां नूं किड्डा मान दिता, पंजां प्यारिआं तों अमृत छकिआ, और गुरु साहब ने पंजां प्यारिआं नूं किड्डा सत्कार दिता। तो ये हर गुरसिखी सरूप वाले की बेइज्जती करदा, मगर किसी नूं यह हक नहीं है जी कि उहदी आड़ ते तुसीं हुण सिखी सरूप का मजाक उड़ाउणा शुरू कर दिओ। गुस्सा ना करियो प्रोफेसर साहब, तुसीं भी दाड़े दा रखिआ ते बन्निआ अज, मैं भी कदे दाड़े दा प्रकाश करदा कदे बन लैंदा। बड़ी दुनिया इत्थे जिन्ने भी गुरसिख आ जिहदे घर च चले जाओ, सवेरे उहदे दाड़े दा प्रकाश होइआ हुंदा। कदे किसे दिन कोई बन भी लैंदा, किसे दिन कोई प्रकाश भी कर लैंदा, मगर है तां रोमां दी बेअदबी भी नहीं करदा। ते जिन्हां ने रोम रखे कोई नहीं, रोज़ बेअदबी भी करते आ, रोज़ मूँह छिलदे आपदा, उह दस्सणगे हुण। मेरे लिए वह इशू वड्डा है कि भाई तू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो वड्डा हो गया, कि तू कुर्सी ते बैठिया, एक सीएम की कुर्सी है, तू रब तो उत्तों की तो नहीं हो गया। कि पंजाब की विधानसभा अज एक गुरसिख का सिखी सरूप का मजाक उड़ाया, कल मजाक उड़ाउणगे जी किसी मुसलमान भाईचारे के बंदे का, फिर हिंदू वीर का उठाउणगे कि यह विधानसभा इसलिए बनी है। और भाई तू नहीं कर सकता, तो तू अगली वाली पीढ़ी नूं की दस रहा कि अगली पीढ़ी नूं, कई तो कहिंदे जी आपके बच्चों कि भाई जिहड़ा सिंह जम्मिया है या जिहड़ा गुरसिखी च जिहदा जन्म होया वह आपके गुरसिखी फिलोसफी फॉलो करो, जिहड़ा हिंदू भाईचारे च जम्मिया हिंदू फिलोसफी फॉलो करे। अड अड धर्म वाले अड अड चाहते, ये की सिखा रहे जी? जिवें पग ला के सिटदा है वॉलीबॉल के मैच च, अहीं तां कदे नहीं करते भाई। इत्थे तां पग किसे दी लत्त जो तां मरन मराउण तक जाते, कई लोगों को कैद हो गई इस चक्कर च, ते इहने बनाया मजाक उहदा। ये हर वेले गुरसिखा की मजाक उड़ाऊगा तो अं सुनी जावे, जस्ट बिकॉज ही सीएम आपके घर च होगा सीएम। मैं परवाह नहीं करता यह जे सीएम की, जिहड़ा साढ़े गुरु साहब के सिखी सरूप बारे मजाक उड़ावे, साढ़े लिए कुछ नहीं साडा जापदा। मेरा भीर मैनू किसी ने दसी है गल, जो ये गल्ला उस दिन विधानसभा जे कर रहा, कोई सोफी बंदा कर सकता जिन्हू माड़ी मोटी भी अकल हो कि वह सिखी सरूप का मजाक उड़ा सकता, वह भी पंजाब की विधानसभा च? मैनू बड़े नोन एंड बड़े कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने कहा कि इस दिन इन्हें शराब पीती हुई सी। जिवें मैं तुहानू पहला दसता सीगा कि विधानसभा च कल किहड़ा बिल आ रहा, मैं तां मैंबर भी नहीं भाई, मगर मैं बड़ा लंबा समा सिस्टम च रहा है, हुण मैं सोर्स तुहाडे नूं दस दिया तो कल उहदी सेवा करवा दिया इन्हां कोलों। एडा भी मैं न्याणा नहीं ना। गुरु दियां संगतां जिहड़ियां आपदे सिखी सरूप का सत्कार करदियां, गुरु दे दसे हुए नक्शे कदम दियां चलदियां ने, भाई उहनां नूं बेनती है कि साडे च 100 नुक्स होणा, मगर भगवंत मान वांगू डिगे नहीं आ। अहीं आपदे केसां की बेअदबी नहीं करदे, रोज़ शराब पी के गुरु साहब की हाजरी च नहीं जांदे। इन्हां चीज़ां दा बड़ा ध्यान रखते हैं, भुलनहार जरूर हाँ, मगर जान बुझ के नोइंगली ये सिखी सरूप तो मेरा नहीं ना बनाया, तो गुरु साहब की बख्शिश है साडू, उसका निरादर नहीं करते क्योंकि गुरु साहब का सत्कार करते। तो जिहड़े मुख्यमंत्री तो गुरु साहिबाना का सत्कार नहीं हुंदा, उन्हें बाणे ते बाणी का की सत्कार करना भाई? ये उहदी भावना अंदरली आत्मा बोलती है, केड़ी सिख विरोधी ताकतां दे नाल इह मिलिया होया। गल तां इहदी है कि रोज़ रोज़ ये सीएम भगवंत मान बेइज्जती करूँ सिखां दी, सिखी सरूप की, उस गुरु साहब की बख्शिश की, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की लासानी जो
उन्होंने शहादतां देतियां ये सिखी सरूप ये सिखी सिख कौम वास्ते। ये गल गुरु साहब ने सानू समत बख्शी कि इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार चार मूहे तो क्या हुआ जीवत कई जारते तू हूँ इन्हों की मजाक उड़ाते ही रहेगा इन्हों की बेइज्जती करते रहेगा। मेरे लिए वह वड्डा मुद्दा सिखा नू डमीन करन दा पग की शान घटाउण दा एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके नाल बार 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 हैबूचल बार बार ये ऑफेंड हो रहे ऑफेंस किए जा रहे।